भारी बरसात ने जिस तरीके से तबाही मचाई थी, हम आपको दृश्य दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं और खास करके चंदन बाग लेके चलेंगे, जहां पर वरिष्ठ समाज सेवक व पूर्व नगर सेवक साईनाथ पवार की वाल दीवाल पूरी तरह से गिरकर जमीन दोज हो गई थी। हमारी चर्चा हुई, हम जब वहां पहुंचे देखने के लिए तो हमारी चर्चा हुई, उन्होंने गंभीर आरोप महानगर सेवक पर लगाए, तो वहां के स्थानीय नगर सेवक के कारण, और अभी तक वो देखने के लिए भी हमारे यहाँ नहीं पहुँचे। यह गंभीर आरोप जब उन्होंने लगाया तो हमारी टीम ने वहाँ के स्थानीय नगर सेवक अशोक भोसले के भी साथ चर्चा की। चर्चा करने के बाद अशोक भोसले ने क्या अपनी प्रतिक्रिया दी, चलिए हम आपको लेके चल रहे हैं चंदन बाग। चंदन बाग में जिस तरीके से हालात बने हुए थे, ये हो कहा जा सकता है कि वड़ाल देवी तालाब का पानी जब पूरे तेजी गति से अपने बहाव की तरफ बहा तो वह नाले छोटे हो जाने के कारण पानी उफन कर बाहर आया, और जो चंदन बाग के एरिया में पहुंचने के बाद चंदन बाग का एरिया पूरी तरह जलमग्न हो गया। इसको ध्यान में रखते हुए हमारी टीम ने पूरी जायजा ली। जायजा लेते हुए देखा कि वहां की हालात सबसे ज़्यादा ख़राब थी। पहली तो बात यह है कि अपना भिवंडी शहर में अभी दो दिन से बारिश का जो तूफान हो रहा है, मतलब जितना जिस तरीके आज रुका है, इतना तेज़ बारिश गिर रहा है कि पोजीशन इतनी ख़राब है कि अपन भिवंडी शहर में किधर भी नहीं जा सकते। और आप लोगों को ये मालूम है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के चौक और मंडी नजराना ज़्यादा से ज़्यादा करके समझो कमला होटल तक पानी भरता है। आज तक हम लोगों ने, मैंने 30 साल में भिवंडी में यही देखा था, लेकिन पहली बार 2005 में भी ये पोजीशन नहीं था जो आज कामतगर में हुआ है। मतलब इसके पीछे बारिश नहीं है, इसके पीछे किधर ना किधर प्रशासन का जो काम करने का तरीका है। बड़ा इतना तालाब होने के बावजूद वो 170 एकड़ में तालाब का पानी का जो फ्लो है वो किस तरीके से रहेगा, वो भिवंडी के नगरपालिका के इंजीनियरों को मालूम होना चाहिए। और वहाँ से जो पानी ओवरफ्लो होता है उसका जो नाला है वो जाके 2 फीट का बनता है, 2.5 फीट का बनता है, तो वो 2.5 फीट पे पाने में इतना तालाब का नाला जा सकता है क्या पानी? ये कोई बात ज्योतिष ने बताने की ज़रूरत नहीं। रह गई बात चंदन बाग, भारत कॉलोनी और भवानी नगर, इसमें जो पानी आज इस तरह में घुसा है ना, तो ये कोई कुदरत का हस्सा नहीं है, ये हमारे भिवंडी महानगर पालिका और हमारे जैसे लोक प्रतिनिधि, इन्होंने इस पे जो ध्यान देना चाहिए था वो नहीं दिया। मैं उसको मानता हूँ, ये हार है मेरी कि वो एक्चुअली होना चाहिए, लेकिन चलो हमको 2005 में हादसा नहीं हुआ था, इसलिए आज हुआ है, तो इसके आगे जरूर हम लोग इसके ऊपर सोचेंगे। पर जो ऐसी हालात है इस पर महानगर पालिका अब भी ध्यान नहीं दे रही, 3 दिन हो गए इन सब विषय को लेकर। उसमें मुझे ऐसा लगता है कि कमिश्नर को इसको बात को पता कर दिया है, हम लोगों ने उनको मालूम करवा दिया, लेकिन इसके साथ साथ में क्या हो गया, 2 दिन से फिर भिवंडी शहर में हालात ख़राब हो गई। हमने बोला कि साईनाथ पवार के घर के बाजू का जो वॉल कंपाउंड है, कम से कम मेरे को लगता है RCC कंपाउंड था, वो RCC के साथ लेके चला गया है, और ये कंपाउंड आज का नहीं है, मतलब ये बहुत मजबूत की तरीके से बनाया हुआ है, और ये कंपाउंड आज उनका इतना बड़ा नुकसान हो चुका है। नुकसान ये हुआ है कि वो उनका घर के बाजू का कंपाउंड का नहीं, हमारा जो रोड है अंदर आने का, वो रोड भी पूरा ख़राब हो गया है, लोगों के घर में पानी हुआ, बहुत सा नुकसान हो गया है। मैंने तहसीलदार साहब से भी बात किया है, उन्होंने बोला पंचनामा करता हूँ, और हो सकता है कि 2 दिन बारिश और 2 दिन ईद, इसके वजह से शायद वो पीछे है, लेकिन कल या परसों तक इसका पंचनामा होगा, और ये जो काम है वो अपने को ज़रूर इसके ऊपर ध्यान रखना है। और ये गलती हमारी है, ये किसी कुदरत को गलती बोल के नहीं चलेगा, ये आज हुआ है, कल भी और अगले बारिश में भी इससे भी डबल हो सकता है। भाऊ क्या कहेंगे, जो आज ये हालात क्या कहेंगे? देखो, बारिश की जो अतिवृष्टि हुई, ये तालाब से जो पानी आया और तालाब का पानी जो था वो रोड क्रॉस करके यहाँ पे जो उतरन है उधर से वो रोड पानी कॉलोनी में घुसा। इसका कारण ये है कि तालाब में पानी क्रॉस करने के बाद में जो नीचे नाली है वो छोटी है। ये हमारी पहली तो ये मांग है, और अभी 2-3 दिन से हम यही कह रहे हैं कि तालाब का जो पानी गिर रहा है उसको जो उसका व्यास बोलते हैं, जो उसका एक डायरेक्शन बोलते हैं, वो बड़ा रहना चाहिए, चौड़ाई रहनी चाहिए, तो उससे वो पानी नाले में जाएगा और नाले की भी चौड़ाई होनी चाहिए। जो तो हमारा बोलना ये है कि इसको अभी ये छोटा हो गया, इसके ऊपर उपाय योजना करो। अच्छा, उपाय योजना करने के टाइम अभी ये नगर से हो गए, ये खुद के पैसे से नहीं करेंगे, ये प्रशासन को बोलेंगे और प्रशासन करेगा। मतलब इसका जिम्मेदार कौन है? प्रशासन है। ये जवाबदारी किसकी है? प्रशासन की है, अधिकारियों की है। आके पहले आप देखो कि ये तालाब है, जैसे हमारे छोटे भाई अशोक जी ने कहा 110 एकड़ का तालाब है,
और पानी ओवरफ्लो होने के बाद में इसका फ्लो कहाँ है वो देखना चाहिए और इसकी उपाय योजना की जानी चाहिए। अभी वो न होने के कारण ये पानी सीधा हमारे रहवासी वर्ग जो है इसके अंदर घुसा और वो रास्ता बनाते, वो रास्ते को पकड़ते, पूरे रास्ते को बहाते हुए लोगों के अंदर, घरों के अंदर पानी घुसते हुए मेरे पास आया। मैं तो बोलूँगा कि मेरा दीवार गिरा कोई वादा नहीं है, चलेगा मेरे को ये नुकसान, क्योंकि ये दीवार के वजह से यहाँ पे जो हजारों लोग हैं ना उनकी जान बची है, क्योंकि ये दीवार अगर नहीं टूटती थी तो ये पानी सब उधर जाता था। अभी यहाँ पे कोई विद्यमान नगर सेवक है, उनका कहना ऐसा है मनोज काटेकर साहब का कि ये जो पानी, ये वराल देवी पानी की वजह से नहीं हुआ है, अभी इनको क्या दिन में दिख रहा नहीं है, चश्मा लगा के इन्होंने देखना चाहिए था। अभी उनका ये कहना है कि मेरे वार्ड में जो है ऐसा कभी कुछ होता नहीं है, जो मेरा वार्ड है पूरा भिवंडी के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर जो है जो इसकी व्यवस्था है वो मेरे जैसी व्यवस्था कोई देखता नहीं। तालाब का पानी ये 3 दिन के बाद में ये वार्ड के अंदर आके देख के गए और देखने के बाद में ये लोगों को बोलते हैं कि यहाँ के जो तुमने मेरी जो खामी है वो सबके सामने बताई है, जो परेशानी मेरे वार्ड की है वो आपने पूरे दुनिया के सामने आपने बताई है, तो इसके वजह से मैं अभी एक एक को छोड़ूंगा नहीं, हर बिल्डिंग को मैं गिरा दूंगा और हर घर को मैं गिराऊंगा, यहाँ स्कूल है उसको गिराऊंगा। अरे इतने बड़े ज्येष्ठ नगर सेवक है, खाली एक बार आ जाते और सांत्वन करते और देख के जाते, यही भी बहुत बड़ी बात थी, लेकिन आप आ रहे, आपकी खामी दिख रही है और आपका नाम भी नहीं लिया गया, आप उसके लिए क्यों आपको गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब है आपकी खामी हो गई है, आपने गलती की है। आप बोल रहे लोगों गौर जो यहाँ गरीब लोग रहते उनके घर तोड़ेंगे, इनको अधिकार दिया है क्या महानगर पालिका ने या कोई संविधान ने? अरे यहाँ पे लोग रहते, कोई कीड़े मकोड़े नहीं रहते, गरीब की है या बड़े आदमी की है, जान की कीमत रहती है। तो मैं ये भगवान से यही ये करूँगा कि उनको सुबुद्धि मिले कि इसको आड़ापन में न लेते हुए इसको सामाजिक दृष्टि से देखे और लोगों की जान की कदर करे। ये कोई किसी का उद्देश्य नहीं है कि ये नगर सेवक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सवाल ही नहीं उठता है। प्रश्न ये है अतिवृष्टि हुई है उसकी व्यवस्था कैसे की जाए। आप तो ये ईगो लेके बैठ गए कि मेरा वार्ड है, मेरे लिए कुछ बोला है तो ये गाली गलौज करने लगे। अरे सब करने को सबको आता है, सबसे बड़ा वो है, वो देख रहा है। ये अगर अच्छा सोचोगे और अच्छे विचार करोगे तो हम भी सहकार्य करेंगे, लेकिन अगर आप आओगे और वार्ड के अंदर आके गरीबों को धमकाओगे, मारोगे, ये क्या निजामशाही नहीं चल रही है? स्वतंत्र भारत है, भिवंडी है, इसके अंदर अच्छा काम करो, अच्छे रहोगे, नाम होगा। ये ऐसे बेकार के बातों में नहीं जाए, मैं यही भगवान से सबुद्धि दे, मैं यही मनोकामना करता हूँ। आज ये नगर सेवक है, आज मेरे को फ़ोन करके आए, क्यों आए? उनको लगा जवाबदारी, कुछ तो भी नैतिक जवाबदारी, आके देख के गए। हमारे को इतना भी हुआ तो बहुत हुआ, आप उसके अलावा आओगे और आदमी लोगों के दम देके जाओगे कि निजामशाही चल रही है क्या, क्या ब्रिटिश का काल चल रहा है? ये ऐसा होगा नहीं, और यहाँ पे कोई अन्याय सहने को लिए बैठा नहीं और रोड के ऊपर कोई बैठा नहीं है। हम दूसरे को बोलते हैं ना तो अपना घर शीशे का है, वो भी भूलना नहीं चाहिए। इसके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा।